इसलिए जो लोग इनमें बिलीव करते थे, क्रिस्ट में बिलीव करते थे, उनको मानते थे, उनको फॉलो करते थे, वो दुखी हो गए। सो क्रिस्ट कम बैक फ्रॉम द ग्रेव टू गिव देम होप। और इसीलिए क्रिस्ट जो थे वो कब्र से वापस आए उन लोगों को होप देने के लिए। उनके कब्र से वापस आने की खुशी में ईस्टर सेलिब्रेट किया जाता है, और ईस्टर पर लोग एक दूसरे को पेंटेड एग्स गिफ्ट करते हैं। अब देखो बेटा, कुछ एक नवरोज है जो पारसी न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पारसी का न्यू ईयर होता है जो यूजुअली अप्रैल में मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन पारसी जो लोग हैं वो फायर टेम्पल में पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं। अब हम बात करेंगे बर्थडे ऑफ ग्रेट पीपल। कुछ जो फेस्टिवल हैं वो ग्रेट पीपल्स के बर्थडे पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जो है वो गौतम बुद्ध के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। गौतम प्रिंस थे, एंड ही गेव अप हिज किंगडम एंड लिव्ड ए लाइफ ए सेंट। उन्होंने अपनी जो साम्राज्य था उसे गिव अप कर दिया था और एक साधु का जीवन जिया था। उन्होंने लोगों को गुड रहने के लिए, काइंड रहने के लिए कहा था, और जो लोग उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं उनको हम बुद्धिस्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट है महावीर जयंती। महावीर जयंती इज द बर्थडे ऑफ महावीर। महावीर जयंती जो महावीर के बर्थडे महावीर का जो बर्थडे है उसको हम महावीर जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने भी लोगों को काइंड रहने के लिए, गुड रहने के लिए कहा था, और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को एनिमल्स को हर्ट करने के लिए भी मना किया था। यही रीजन है कि दैट इज वाई हिज फॉलोअर आर वेजिटेरियन, और इनके फॉलोअर्स को हम जैन बोलते हैं। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू बेटा। बाय एवरीवन, टेक केयर।